नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीत की तैयारी में। दोस्तों, इंडियन नेवी ने भर्ती निकाल चुके हैं और अगर आप इंडियन नेवी में सर्विस करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। मेल और फीमेल दोनों इस भर्ती को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडियन नेवी की भर्ती है अनमैरिड मैन एंड वुमेन के लिए। मतलब जो अनमैरिड है, मैन हो या वुमेन हो, वो दोनों इसको भर सकते हैं। एसएससी ऑफिसर्स, ये एसएससी ऑफिसर्स होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए है, ऑफिसर रैंक की है। दोस्तों, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट मेंशन है 25 अगस्त 2018। 25 अगस्त से जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं और ये 19 सितंबर 2018 तक भरे जाएंगे। दोस्तों, आगे हम अगर इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, दोस्तों मतलब आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, वो सब बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपने अगर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है तो। पर आपके 60% मिनिमम होने चाहिए, अगर आपके 60% से कम है तो आप नहीं भर सकते, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, दोस्तों एज क्राइटेरिया जैसे दे रखे हैं हर पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग। जैसे सबसे पहले ATC जो पोस्ट है उसके लिए 8 तो वैकेंसी है, और एज क्राइटेरिया है वो रहेगा आपका 1944 से लेकर 1988 तक रहेगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्ज़र्वर के लिए। ऑब्ज़र्वर की जो वैकेंसी है दोस्तों वो है 6, और ये जेंडर भी मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और जो इसकी एज रहेगी वो रहेगी 1995 से 2000 तक। अब जो पायलट है दोस्तों उसके लिए जो एज रहेगी वो रहेगी 1995 से 2000 तक, और इसमें जो आपकी वैकेंसी है 3 मैक्सिमम ऑफ 2 वैकेंसी ऑफ फीमेल सब्जेक्ट ऑफ दे बीइंग मैरिड। अगर देखिए इसमें फीमेल का अगर टॉप करेंगी तभी आएगा, वैसे ज़्यादा प्रेफरी से मेल को दिया जाएगा अगर। और लास्ट है दोस्तों पायलट की, और वो रहेगी 1995 से लेकर 2000 में अगर आप बोर्न हुए हो दोस्तों तभी आपको मिलेगी दोस्तों। उसके बाद हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं कि आप इसमें क्या क्या, आपके फिज़िकल ओवरव्यू कैसा होना चाहिए। अब देखिए जैसे आप लिख रखा है पायलट, पायलट के लिए आपके लिए आई साइड कितनी होनी चाहिए, 6x6 आई साइड होनी चाहिए। हाइट जो होनी चाहिए आपकी मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो जो इंडिया में इतनी लगभग पाई जाती है दोस्तों। और अगर ATC के लिए आप अगर भर रहे हैं तो इसके लिए जो आपको हाइट चाहिए वो चाहिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल को चाहिए इसमें 152 सेंटीमीटर। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है टैटू। दोस्तों कोई भी टैटू अलाउड नहीं होता एक्चुअली, इंडियन नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो। हाँ, पर अगर जैसे भगवान का कोई टैटू है तो वो एक एक परसेंटेज होता है, छोटा सा होगा तो कर लेते हैं, पर और कोई टैटू अलाउड नहीं होता है दोस्तों। और उसके बाद अगर मैं इसके आपकी जो पे स्केल क्या होगी, आपको तनख्वाह क्या मिलेगी दोस्तों, तनख्वाह जो मिले, देखिए यहाँ पे लिख रखा है पे स्केल एंड प्रमोशन। जैसे आप रैंक के हिसाब से होगी, अगर आपने मेरिट लिस्ट में आपका नाम पाया और आपको सब लेफ्टिनेंट के लिए जाए, ल्यूटिनेंट जो लिखा है लेफ्टिनेंट में गए, तो आपकी जो पे स्केल रहेगी वो रहेगी 56,000 से लेके 1,77,000 तक। और दोस्तों इसके बाद 56,000 जैसे यहाँ पे लिख रखा है, पर 7th पे कमीशन भी मिलेगा आपको और कई भत्ते मिलते हैं, तो 60,000 से ऊपर ही पड़ती है दोस्तों। इसके बाद लेफ्टिनेंट की वो लिख रखी है 61,000, लेफ्टिनेंट की लिख रखी है यहाँ पे 69,000, कमांडर की लिख रखी है यहाँ पे 1,00,000 से ऊपर दोस्तों। तो यही है दोस्तों। और अगर जैसे जो कोई स्टेट्स होती हैं इंडिया में, जैसे जहाँ पे ट्राइब्स होती हैं जहाँ पे ज़्यादातर, तो उनके लिए थोड़ी हाइट में रिलैक्सेशन मिलती है दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिख रखी है जैसे लद्दाख रीजन के, वहाँ पे 155 सेंटीमीटर चाहिए, नेपाली होने 152, अंडमान एंड निकोबार 155, और भूटान सिक्किम नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए 152 दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।